हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। ब्लॉग आपको पूरा देखने को मिलेगा बाद में, पहले ये क्लिप हमने इसलिए लगाई है। आप लोग देख रहे होंगे भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाला। एसडीएम ज्योति मौर्य है जो एसडीएम बनाया, उनके पति ने इतनी मेहनत करके और आज वो मतलब उन्हें ही भूल गई। और पहले मतलब हमारी हम लोग आप लोगों को लगेगा कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में। हमने हजारों वीडियो देखी, हजारों कमेंट्स देखी लोगों की, और हमारी वीडियो पर बता रहे हैं, हम दोनों की वीडियो पर, हम दोनों की जितने भी रील्स वगैरह पड़ी हुई हैं तो उनको भैया बहुत बहुत ऐसी कमेंटें आ रही हैं कि इनके लिए कमेंटें आ रही हैं, अभी तो इससे वीडियो बनवा रहा है, कल को ये भी तो जरूर भूल जाएगी अगर स्टार बन गई तो गाइस ऐसा देखो, हर लड़की को टारगेट मत करो। ऐसा नहीं है कि अगर ये मुझसे अभी वीडियो बनवा रहा है कल को मैं इन्हें भूल जाऊंगी। मैंने क्यों भूल जाऊंगी, हम दोनों साथ रहे, हम दोनों साथ रहने के लिए शादी की है, ना कि भूलने के लिए शादी की है भैया। तो ऐसा तो मत लिखो कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। वो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य हैं, हम वैष्णवी और लोकेश हैं, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे को ना भूलने वाले। और वो एक हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ये पाँच उंगली है ना आपके हाथ में, ये पांचों बराबर नहीं है, सब अलग अलग हैं। तो ऐसे ही इंसान भी एक जैसा नहीं होता, ये नहीं पता इंसान का माइंड कब चेंज हो जाए। आप लोग हमारी वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं आके कि तुम लोगों में भी ऐसा हो जाएगा आगे चल के, अभी ये वीडियो बनवा रहे हैं आगे चल के मैंने भूल जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं तो बस यही बोलूंगी कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य ने मतलब उन्होंने विचारों ने आलोक भैया ने इतनी मेहनत करी जो उन्हें इतना आगे बढ़ाया, सूर्यवंशम पिक्चर की तरह करा ना। लेकिन सूर्यवंशम में एक चीज थी, वो उन्होंने नहीं कोई उन्होंने मतलब भूला नहीं है ना, वो भूले नहीं, वो तो नहीं भूली थी, कलेक्टर बनने के बाद भी नहीं भूली थी उनको, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी करने के बाद इन्होंने तो गलत करा, इन्होंने तो गलत करा, फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। हम तो इनके अपोजिट ही बोलेंगे क्योंकि वो बेचारे आलोक भैया हैं जो उनके साथ ऐसा हुआ, हमें तो मतलब बहुत ज़्यादा खराब लगा। और लोग हमारी वीडियो पर भी दोनों की कमेंट कर रहे हैं, जाने कितने लोगों की वीडियो कमेंट कर रहे हैं जो हस्बैंड वाइफ साथ में हैं। और कोई हस्बैंड अगर किसी वाइफ के लिए इतनी मतलब सपोर्ट में है, वाइफ के अपने सपोर्टिव है, तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं गलत सलत। लेकिन आप लोग ऐसी कमेंट प्लीज़ ना करो किसी की वीडियो पर, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, आप लोग गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसे नहीं हैं, हमारी वीडियो पर भी ऐसी कमेंट आ रही है, तो सबको टारगेट मत करो। एक लड़की है, एक लड़की ने गलत करा, तो आप सबको टारगेट मत करो। सबके टारगेट करने का क्या आप लोगों को क्या बनता है, आप लोग ऑडियंस हो हम लोगों की, आप लोग कमेंट्स करोगे तो हमें और मतलब मोटिवेशनल मतलब मोटिवेट करो हम लोगों को, आप लोग तो हमें पीछे हटा रहे हो ऐसे कमेंट करके। तो गाइस प्लीज़ ऐसी कमेंट मत करो। और बस यही कहूँगी कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने बहुत गलत किया आलोक भैया के साथ में, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्वीन वैष्णवी एफएसएम। सो फ्रेंड्स, आज है आषाढ़ी है ना, और हम लोगों की पहली आषाढ़ी है गांव में। मतलब त्यौहार होते हो, अगर गांव में होते तो त्यौहार होते हो आषाढ़ी को, लेकिन ना हमने शहर में हुए के मतलब त्यौहार मनाओ ऐसी बात ना है, लेकिन आषाढ़ी है आज। हाँ, आज भैया सूखे आलू पूड़ी बनाएंगे, तो त्यौहार है, पहला त्यौहार है, तो आज सब लोग खान के नहीं। मम्मी का फ़ोन आया था घर से, पी लली कुछ कर लियो, तो इनके हाँ जरूर 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 कर लेंगे, चिंता ना करो। तो कुछ बोलिए लोकेश जी, बोलिए क्या रही है, मतलब त्यौहार है, हाँ पूरी पूरी खाएंगे भैया, गर्मी तो बहुत है। तुम सब ब्लॉग में जाए बोलते हो कि गर्मी बहुत पड़ रही है, हद से ज़्यादा इन्हें हद से ज़्यादा गर्मी लगती है सब ब्लॉग में, है ना। गर्मी है, देखो पंखा चल रहा हो तो गर्म हवा दे रहे हैं, जिंदा कर रही है पंखा। हाँ, पंखा में गर्म हवा आ रही है बहुत ज़्यादा। तो बताना आप लोगों ने आषाढ़ी मतलब आज त्यौहार है ना, तो आप लोगों ने कैसे मनाया, देखो मैं बोलूँगी तो किसी वीडियो में मॉडल बन जाती हूँ, किसी में बहू बन जाती हूँ, भैया हम एक्टर हैं तो हमारा रोल है, किसी में बहू बनना है, किसी में मॉडल बनना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज़ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग माई लाइफ। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, शॉपिंग कर रहा है, सब्जी लेने जा रहा है, सब्जी लेने जा रहा है भैया बाइक से, देख सके तो तुम लोग, और आगे को देखना है तुम्हारे, रुक जाओ ऐसे बन रहा हूँ ब्लॉग हाईवे है। देखो भैया सब्जी खरीदी जा रही है
टमाटर 80 रुपए से सीधा 120 पर पहुंचा। ये बड़ी महंगी सब्जी दे रहे हैं भैया। अरे भैया कैच कर दो, नुकसान क्या? अगर आप ले रहे हैं तो 20 के साथ। अरे कोई दिक्कत So guys, देख सकते हैं आप लोग बाजार कर रहे हैं, बाजार से। आप जाते हैं स्टाफ से संपर्क करो। पहले बोतल भर के रखो। पानी भर के फ्रिज में रख दूँ मैं, उसके बाद बात करूँ। अब हम बनाएंगे रायता, क्योंकि आज है असाड़ी। असाड़ी की मतलब देखो, मेरे सिंगा पर असाड़ी में पूजा करी है, तो बनिए पूरी आलू की महक आ रही है। दोनों महक ना देखो, आलू होने दिवाले कतरियन वाले, घर गांव में कहा था कतरियन वाले, और गले ना है सूखे नहीं बनाए उन्होंने ना, क्यों भूल के बनाए? अरे यार बरी थी यार, सूखे बनवाते। कोई बात ना, आलू बन गया। अब हम रायता बनाने जा रहे हैं। ये रहे हमारे छाछ के पैकेट। मट्ठा बोलते हैं, मट्ठा छाछ बोलता है, छाछ भी बोलते हैं, मट्ठा भी बोलते हैं। अरे ये बूंदी रायते वाली बूंदी है, वो वाली बूंदी ना है, हैं? तो गाइस बनाने जा रहे हैं रहता बनना रहता एक ही बहुत जाएगी, मजा आ जाएगा। क्यों एक ही बहुत जाएगी? दो डाल दो, डाल दो यार, एक से मजा नहीं आता, दो डाल। इसे किसे खाना है? रायता पूरी और आलू बनाए हैं। आ जाओ जल्दी से खाने के लिए। पहले हम बूंदी को पानी में बढ़िया करके, अच्छे करके बड़ी बड़ी कर लेंगे। बूंदी फुलाए लें, फुलाए उसके बाद डर है, फुलाने के बाद बूंदी फूल ना जाए तो लोग रायता मत डाल दियो, तई तो मारे को रायता कचु बोलो रायता मजा आ जाए। मैं रायता खराब बनाती हूँ, नहीं एकदम बहुत बढ़िया। देव इन्हें मेरे रायता पसंद है, रायता बहुत बढ़िया रहता है, इन्हें मेरे रायता पसंद है, रायता है। थैंक यू पति देव, थैंक यू। तो गाइस देख सकते हो इधर पानी डाल रही हूँ मैं, अभी से मैंने पानी डाल दिया, अभी से वो गैस पर रख लूँ, ठीक है? उसके बाद इसमें क्या है, पूरी नहीं, दोपहर हमने दोपहर बनाए थे जे बरी आलू बनाए थे दोपहर, तो बरी आलू दोपहर में बरी आलू आए थे, अब पूरी बनेगी, आप त्योहार है ना इसलिए। तो हमारी चाय बन चुकी है, अभी देख सकते हैं चाय किसे किसे पीना है। गुड मॉर्निंग गाइस, दूसरा दिन है वो है, सुबह को दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया। अभी सुबह के उठे हैं और 5 बज रहे हैं, बाहर खड़े हैं गेट के। कैसा लगता है सुबह मेरा चेहरा? आगे देखो मोटी मोटी लगती है, चाइनीज की तरह सूजी भाई ये लगती है, वो सूटर बेचना आता ना वैसी है हमें। देखियो आगे देखियो, मेरी बहन की आँख ऐसी है, ऐसी वो बचपन में बिल्कुल ऐसी लगती है कि सूटर बेचने वाली है, ऐसी आँख है मेरी बहन की, ऐसी अजीब तरीके आ गई। मेरी तुम सही है, मेरी देसी है, खुली हुई है भाई। भाई ये कहती है ऐसी है, बड़ी बुरी लाग करती देखने में। मैं भैया बहुत बुरी लगती भाई आके देखने में। मैंने तो कही होती है, एक दिन मुझसे बोली कर लो, तो मैंने कह दी तू तो सूटर बेचने वाली है, बाजार लगा सूटर में।
कबाड़े वाले भैया आए हैं बाहर, मैं जेल के अंदर बंद था। ये देखो जेल जैसे गेट।